ओके स्टूडेंट्स प्रणाम. सो लेट्स अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनलाइन लेक्चर में अपना हो ही गया था 27th डेट में, जुलाई में. तो आज ही मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप लोगों को आज सेंड कर दूंगी 24 को. चैप्टर 14 और चैप्टर 43 भी आप लोगों को मिल जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. पहले तो हमें नाउन के बारे में समझना है. नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स, जिस किसी भी चीज़ को हमने नाम दिया हो पहचानने के लिए. उसी तरह कुछ वर्ड्स कुछ फीलिंग ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो हम महसूस कर सकते हैं हमारे अंदर. हम आपस में हम किसी को बता नहीं सकते, मतलब कोई हमारे बदलाव नहीं कर, हम टच नहीं कर सकते, उस तरह के फीलिंग. द एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी हैव ऑलरेडी सीन इन यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी. सिर्फ हमें देख ही पता ही लगा सकते हैं क्वालिटीज में एन एक्शन और स्टेट किस प्रकार से है, किस तरह से है, किस समय पर है. नाउ एग्जांपल्स क्वालिटी एक्शन एंड स्टेट. क्वालिटी मतलब किस प्रकार का है वो, ठीक है. काइंडनेस क्रूअल ब्राइटनेस. एक्शन लाफ्टर थेफ्ट रॉबरी. एक्शन में आ गया. स्टेट में किस समय पर, चाइल्डहुड के समय, किंगशिप में या यूथ में. उसी तरह से इसमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं, सॉरी दो एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें करना है, ठीक है, प्रॉपर लगाना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है. मैंने ऑनलाइन लेक्चर में बताया था कि मेरी बुक बहुत पुरानी है, 10 साल पुरानी बुक है, ठीक, जो मुझे मिली थी. तो उसमें मैंने सॉल्व किया, तो उसमें एक सेंटेंस एक्स्ट्रा है, तो आप लोगों को इसमें से देख कर लेना है, ठीक. फर्स्ट वी मस्ट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. हमें हमेशा सच बोल. तो ट्रूथ को हम कभी देख सकते हैं? नहीं. हम वो पर्दे को काम करता हुआ देखकर मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ, महसूस करते हैं इसमें कितनी सच्चाई है. कभी कितनी सच्चाई है हम उसको नहीं बता सकते, ठीक. सेकेंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. थर्ड द थेफ्ट वॉज कमिटेड लेट इन द नाइट. रात को आधी रात में चोरी हुई. हिज चाइल्डहुड पास्ड इन ग्रेट हैप्पीनेस. उसका बचपना बड़े खुशी से गुजरा. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है. जहाँ स्वच्छता वही प्रभुता, जिसको बोलते हैं हिंदी में. सिक्स्थ द पुलिस हैव टेकन स्टेप फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट. रास्ते में एक्सीडेंट होते हैं तो पुलिस ने कुछ कदम उठाए हैं प्रिवेंशन, कुछ बचाव के रास्ते निकाले हैं जिससे एक्सीडेंट कम हो. सेवन्थ द जवान वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, ठीक. जवान को इनाम दिया गया उसकी ब्रेवरी बहादुरी के कारण. दिस इज़ अ प्लांट ऑफ अ वेरी स्लो ग्रोथ. ये वो प्लांट है जिसका ग्रोथ बहुत स्लो है. मदर टेरेसा वाला शायद, मदर टेरेसा या प्लांट ग्रोथ वाला शायद एक आप में नहीं है. मदर टेरेसा वॉज गिवन द नोबल प्राइज फॉर पीस. PEAC पीस मतलब शांति का प्रति, तो उनको इसके वजह से नोबल प्राइज मिला था, ठीक. टेंथ नंबर, ये सेंटेंस नहीं दिख रहा था ना, इसलिए मैंने इसको ऊपर बड़ा छोटा किया थोड़ा. ओके, चलो मैंने देख लिया. देर वेर ग्रेट फ्रेंड मतलब पास्ट टेंस सेंटेंस है. वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे. देर आइडियल्स, उनके जो आइडल्स थे, आइडल्स फ्रेंडशिप्स बिकम टू टॉक ऑफ द टाउन. उनके जो दोस्ती के चर्चे है, मतलब उस स्टेट में, उस शहर में उनके चर्चे थे. एक्सरसाइज टू में था कि ऑपोजिट वर्ड्स करना है एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है. ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है. तो वेल्थ मतलब मैंने बताया था पैसे, सुख संपत्ति होना, तो उसका ऑपोजिट होगा पॉवर्टी, गरीबी. सेकंड होगा वायलेंस, तो उसका ऑपोजिट होगा नॉन वायलेंस. थर्ड फ्रीडम, आज़ादी, तो उसका ऑपोजिट होगा गुलामी, स्लेवरी. ओके. फोर्थ प्रेज, मतलब उसके गुणगाना, वखाण करना, और उसका ऑपोजिट होगा HAT. फिफ्थ में विजडम, ठीक, समझदारी, तो उसका ऑपोजिट होगा फुललेसनेस, बेवकूफपन. सिक्स्थ लाइफ, तो डेथ. सेवन्थ मॉडेस्टी, तो उसका आंसर है ऑपोजिट क्रुअल्टी. एट्थ ब्यूटी, तो दूसरा उसका ऑपोजिट है अग्लीनेस, ठीक है. अब ये चैप्टर तो 15 अभी फर्स्ट सेम का ही है एक्चुअली. लास्ट ईयर ये सेकेंड सेम में था, इस साल ये सेकेंड सेम में नहीं है, फर्स्ट सेम में. मैं आप लोगों को नेक्स्ट लिस्ट में टिक मार्क करूँगी. चलो, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, वीडियो में 43 के चैप्टर में. ओके.